नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों आज हम करेंगे सूट की कटिंग और ब्लाउज की नाप से सूट की कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से करना होती है और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या नाप लेना होती है ब्लाउज में और कौन सी नापें आपको अलग से एक्स्ट्रा में रखना होती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको, अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो अगर ये पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लाउज की नाप से अगर मान लीजिए किसी का सूट नहीं है, कोई सिलवाने आया और ब्लाउज की नाप से ही सूट सिलना है, तब आप क्या करें, जब ब्लाउज की नाप को देने आए सूट के लिए, तो आपकी लंबाई जो है वो नाप लें। कहने का मतलब सूट की लंबाई आपको नाप अलग से लेना होगी पूछ के ग्राहक से। अगर जो वो जितनी लंबाई बताएंगे उतनी ही आपको लेना होगी। तो जैसा कि मैंने लंबाई यहाँ पर पूछी थी, तो यहाँ पर 36 लंबाई मुझे मिली थी, 36 लंबाई बताया था, तो यहाँ पर 36 लंबाई का सूट बनेगा। बाकी चेस्ट और चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर चेस्ट हम ब्लाउज से ही नाप लेंगे, तो चेस्ट जो है यहाँ पर है 20.5, तो 20.5 यहाँ पर जितना ब्लाउज में होता है उतना ही सूट में, तो हम ब्लाउज के हिसाब से ही चेस्ट रख देंगे, तो यहाँ पर 20.5 रख देते हैं। अब बात करते हैं कमर की, जो बीच में होती है कमर, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लाउज़ की नाप से ही हमको कमर मिल जाएगी, तो 17 हमारी कमर यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये 17 कमर हो गई। अब हिप की बात करते हैं, तो हिप देखें जितना चेस्ट होता है, ज़्यादातर आपने सूट में देखा है उतनी ही हिप होती है, तो हमारी अगर 20.5 यहाँ पर सी चेस्ट है, तो यहाँ पर हमने 20.5 रखा है, तो हिप भी हम 20.5 ही रख देंगे, तो यहाँ पर 20.5 रख देते हैं। चाहे तो आप 21 भी रख सकते हैं, 1 इंच आप बढ़ती कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 21 भी कर देते हैं 0.5 इंच में, तो यहाँ पर ये 21 हो गए। अब ये हो गया। अब देखिए घेर कितना रखना है, तो घेर जो है आप हिप के हिसाब से भी रख सकते हैं, हिप अगर 20.5 है या 21 है, तो 20.5 ही आप घेर रखें, तो मतलब सूट जो है बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा नीचे का, मतलब जितनी हिप उतना ही घेर। अब वैसे आपका कम भी हो सकता है, या फिर आप जो है उनसे ग्राहक से जितना वो बताएं उतना ही रखना होगा, तो हम यहाँ पर जो है 20.5 घेर कर दे रहे हैं, ये घेर हो गया 20.5। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाक की, तो चाक किस तरीके से काटना है और कितनी नाप रखनी है, तो वो वीडियो में आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब इसकी जो है चाक की तो नाप हम बाद में लेंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रखना है। अब बात करते हैं आस्तीन की, तो देखिए आस्तीन की लंबाई वैसे तो फुल है, अगर फुल नहीं निकली तो हम हाफ रख देंगे। अब तो बात करते हैं आस्तीन की, तो आस्तीन की लंबाई यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लंबाई रख देते हैं। और इसके जो है आरमोड़ की बात करें, तो आरमोड़ यहाँ से हम नापेंगे तो 7.5 आ रहा है, अगर इधर से नापेंगे तो 8.25 आ रहा है, तो जैसे आप नापते हैं उसी हिसाब से रखें, हम इस तरीके से सीधा सीधा नापते हैं, तो 7.5 यहाँ पर आरमोल हो गया, आरमोल हो गया ये 7.5। अब इसका जो है यहाँ पर हम बाजू नाप लेते हैं, 6 इंच में 1 सूत कम है, तो यानी कि 11.5। बाकी नापते टाइम आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसको बनाना है, नापेंगे तो नापते टाइम आपको बिल्कुल फिक्स रख देना है। अब ये नाप हो गई, अब गला तो बाद में काटेंगे, ये सब कुछ बाद में होता है सूट में, तो और कुछ हमें नाप लेना नहीं है, तो इस तरीके से आपको नाप लेना है। अब चलिए इसको सूट को स्टार्ट करते हैं। तो सूट के लिए आपको 2 से 2.25 मीटर कपड़ा आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर 2.25 है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर 2.25 हमने लिया है सूट का कपड़ा था, तो अब यहाँ पर हम काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का ये कपड़ा है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, वरना आपका सूट ख़राब हो सकता है। तो देखिए ये जो पत्ती होती हैं इस तरीके से, अगर पत्ती हैं या फूल वगैरह हैं, तो वो आपके सब ऊपर जाने चाहिए, ऐसा नहीं हुए वो नीचे जा रहे हैं, तो उसमें क्या है गड़बड़ हो जाएगी, अल्टर होएगी। बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम होती है, ग्राहक को भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती, वो लेके चले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को पता होती है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप पत्ती का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लें, क्योंकि पत्ती जो आए या पत्ती हो या फूल हो या मतलब खुर भी कुछ भी गुलदस्ता वगैरह हो, अगर ऊपर जा रहे हैं या कोई भी रुख वगैरह है ऊपर के लिए जा रहा है, तो आपका ऊपर ही जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी चलिए अब इसको काटते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इधर साइड में इसको बिछा लेते हैं, ये इस तरीके से इसको बिछा लेते हैं,
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमको चौड़ाई इसकी कपड़े की कितनी रखना होती है, मैं मार्जिन के दबाव के तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आपका घेर है, तो घेर 20.5 है, तो 20.5 के आधे हुए हैं 10.25, 10.5 मान लीजिए, तो उसमें 1.5 इंच आपको जो है 1.5 से 2 इंच फालतू रखना होता है। 1.5 इंच फालतू रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर जो है हम, ये कहने का मतलब आपका पूरा सूट बैठ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम 12 रख देते हैं, तो 12 कपड़ा रखेंगे हमारा कट जाएगा आराम से। तो यहाँ पर हम 12 ये है, तो हम यहाँ पर तो इसको जो है हम बराबर कर लेते हैं इस तरीके से, 12 पे पूरा हमारा 12 इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए, तो हम सबको मिला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने 12.5 यहाँ पर रख दिया है, मतलब पूरा इधर भी 12.5 है। आपको कपड़ा बिल्कुल जो है वो सीधा रखना होता है। अब हम अगर ये पत्ती है तो ये देखिए, ये पत्ती भी आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल सीधी जा रही हैं, और इधर साइड भी हमारी सामने की पत्तियाँ जो हैं भी बिल्कुल सीधी जाना चाहिए, तिरछा विरछा नहीं भागना चाहिए। अगर तिरछा आप कर देंगे तो सूट जो है वो एक तरफ भागेगा और रेप टाइप का मतलब कपड़ा हो जाएगा ना इस वजह से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं सबसे पहले सीधा, तो ये हमने सीधा निशान लगा लिया। अब नीचे हम छोड़ देते हैं, तो नीचे आप फोल्ड के लिए छोड़ दें, तो हम यहाँ पर जो है नीचे 2.5 इंच छोड़ देते हैं, 2 इंच नीचे तैयार आ जाएगा, 1/2 इंच इसके अंदर दबाव चला जाएगा, तो ये 2.5 इंच हो गया। अच्छा ये हो गया। अब इसकी लंबाई हम रखते हैं, तो देखिए इसमें पत्तियां सब ऊपर जा रही हैं ना, तो आपको भी इसी तरीके से रखना है। जैसे कि अगर आपको पत्ती वाला हो, अगर प्लेन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे इच्छा हो वैसे रख सकते हैं। तो 36 लंबाई है, तो 1/2 इंच इसमें ऊपर कंधी में दबाव जाएगा, तो उसका हम 36.5 कर देते हैं, यानी कि 36 लंबाई 1/2 इंच मार्जिन हो गया। ये मार्जिन हो गया। मार्जिन रखने के बाद ये चीज़ आप देख लें, ये चीज़ आपको, ये जो इसकी किनारी है इसमें बिल्कुल सीधी रखना होती है, तो आपका इससे क्या है सीधा निशान लगेगा बिल्कुल। तो ये हमने लगा दिया निशान। अब तीरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ब्लाउज के, तो यहाँ पर तीरा कम होता है, और शर्ट की तरह हम नापेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा, 16.5-17 तक पहुँच जाता है। तो हमें क्या करना है, सूट की नाप तो है नहीं, तो तीरा जो है हम 12 रख देते हैं यहाँ पर, तो 12 पर निशान लगा देते हैं। अब बात करते हैं इसका जो है आर्मोर की, तो देखिए जो नॉर्मल या मान लीजिए 30 से ऊपर के जितने भी सूट होते हैं, 30 यानी कि 30 सीने से ऊपर, 30 चेस्ट से ऊपर जितने भी सूट होते हैं, तो उसमें जो है आप 6.5 रख सकते हैं आर्मोर, तो 6.5 यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये 6.5 आ गया। और 30 से नीचे हैं तो आप जो है 6 रखें, यानी कि 30 है, और 28 का है तो 5.5 आप रख सकते हैं। तो अब जो है सीना नापते हैं, तो यहाँ पर 20.5 है, तो यहाँ पर 10.25 हो गया इसका, बाकी उधर साइड का दबाव हो गया। अब हम इसको सीधा लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, हल्का सा इधर साइड में ही रखें अंदर के लिए, हल्का सा, चाहे तो सीधा कर लें चाहे हल्का सा रख लें, ये हो गया। अब यहाँ पर हम गुलाई देंगे, इस तरीके से बाकी हमारे जो है बाकी गला हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर घेर रख देते हैं, घेर 20.5 यानी कि 10.25, तो ये हो गया। अब ये चीज़ नापते हैं, चाक की बारी है, तो चाक जो है, तो देखिए चाक यहाँ पर 30 है ये चीज़, तो चाक की नाप तो है नहीं मेरे पास, तो यानी कि ये 30 है, तो इसके आधे कितने हुए 15, तो 1 इंच हम बढ़ती यहाँ पर चाक रख देंगे, यानी कि 16 चाक। अब इधर साइड में हमारी साइड कितनी बची, तो 14 बची है, तो इतनी सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस पर भी लाइन खींच लेते हैं, अब यहाँ पर हम कमर बनाते हैं, जैसे कि ब्लाउज की कमर थी उसी हिसाब से कमर, तो 14 है, तो यहाँ पर 7, तो 7 के सीधी लाइन खींचते हैं,
अब कमर हमने कितनी नापी थी, तो 17 कमर थी, तो 17 जो है 17 यहाँ पर रखते हैं, 8 दूनी 16 है, 17 आधा इंच यानी कि 8.5, तो ये 8.5 हो गया। अब हम जो है यहाँ पर हिप भी उतनी रखेंगे, तो यहाँ पर 10.5 हो गया। अच्छा ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए हम इसको के बाद हम इंची टेप रखेंगे इस तरीके से और सीधे चाक निशान लगा लेंगे। ये हो गया। अब मार्जिन के लिए हम छोड़ देते हैं, तो मार्जिन अपने हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन के लिए जो है 2 इंच हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे से फिर हमें फोल्ड करना होता है, 2 इंच हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच। तो देख सकते हैं आप लोग कितने ही मतलब एकदम फर्स्ट क्लास निशान लगे हैं। तो इसी तरीके से आपको निशान लगाना है, एकदम मतलब सूट के बहुत ही बढ़िया निशान लग गए हैं। अब हम इसको काटते हैं, तो चलिए इसको काटते हैं और उसके बाद फिर हम बैक काटेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाकी हमारे यहाँ पर जो कुटके हैं इनको लगा देना है, क्योंकि इनसे जो है ये हमारा कम ज़्यादा नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पर भी हम कुटके लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे और बी सेंटर का भी यहाँ पर लगाएंगे। बाकी हम जब गला बनाएंगे तो गला का अलग से लगाएंगे। तो ये हमारा सामने का पल्ला हो गया, तो देख सकते हैं ये सामने का पल्ला है। अब हम बैक काटते हैं, तो यहाँ पर जो है तो देखिए यहाँ पर 12.5 हमने रख दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई कपड़ा जैसे कि बचाना है या फिर प्लेन है या फिर, तो आप इस तरीके से इधर साइड से मतलब ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इससे क्या है, ये इधर साइड का आपका कपड़ा बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम अगर ऐसा करेंगे इस वाले सूट में तो क्या है, ये जो पत्ती हैं ये उल्टी हो जाएंगी। तो अगर आपका रुख वाला पीस है मतलब एक ही तरफ जा रही हैं जिसके फूल या फुलवाड़ी जो भी है, तो आपको जो है एक ही तरफ से ही काटना है। तो मुझे वैसे तो कपड़ा बच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसीलिए अब कपड़ा इधर साइड में करेंगे, तो इस तरीके से आपको रखना है। कहने का मतलब वैसे हम घुमा भी रख सकते, तो यहाँ पर थोड़ा चौड़ा कपड़ा बच जाता, लेकिन जो है हमें यहाँ पर जो है सीधा सीधा काटना है एक ही तरफ के लिए, क्योंकि इसमें रुख है पत्ती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर हमको पूरा इसी तरीके से काटना होता, बस यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको सेट रखना होता है हाथ थोड़ा सा। कहने का मतलब इस तरीके से कितना दबाना होता है वो मैं आपको नाप से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब आए यहाँ पर इस तरीके से, तो आप जो है इस तरीके से 1 इंच में 1 सूत कम या फिर जो है 1 इंच, कहने का मतलब है एक शेप दें हाथ से, तो आप शेप देंगे तो वो खुद ही अपने आप ही शेप में आ जाएगा ये चीज़ बैक की। तो बस अब हमें काट देना है इसको भी बैक को, तो यहाँ से हम इसको काटते हैं। अब
तो ऐसे ही अब काटना है जैसे कि सामना काटना है, बस पूरा निकाल लेना हमको। तो जैसा कि यहाँ पर ये कपड़ा देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर फुल बाजू निकाल दें, तो यहाँ पर हम फुल निकाले दे रहे हैं, फुल आराम से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं सीधा सीधा, इस तरीके से सीधा बिल्कुल कर लेंगे। सीधे में क्या है, सीधे में बाजू बिल्कुल एकदम सीधी बैठती है, अच्छी फिटिंग आती है बाजू की। तो यहाँ पर अब हम निशान लगा लेते हैं, इसकी लंबाई हम रखेंगे, लंबाई यहाँ पर जो है हम 17 रखेंगे, तो आधा इंच ऊपर दबाव हो गया और जो है 17 हमारी लंबाई हो गई, तो यहाँ पर 17.5 रख देते हैं। तो ये 17.5 हो गया, बाकी नीचे फोल्ड के लिए आप छोड़ सकते हैं 1.5 इंच दबाव, अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं नीचे फोल्ड के लिए जितना आपको फोल्ड करना है। कहने का मतलब कोई पट्टी लगाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फोल्ड करना होता, अंदर के लिए पलट देते हैं तो हम उतना दबाव बाद में काट देते हैं, तो इस वजह से। तो इसको इस तरीके से रखते हैं, अब ये हो गए। अब हमने यहाँ पर जो है ब्लाउज में आप देख सकते हैं आर्मोर रखे थे नाप के, तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसा कि ये चीज़ जो है यहाँ से 7.5 है और यहाँ से इतना छोड़ के 1.5 इंच, तो देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर छोड़ के इस तरीके से 1.5-1.5 तो 7.5 यहाँ पर रख देते हैं, ये आ गए 7.5। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर आ गए, ये हमारी बाजू है, तो इतना नीचे गिरा डाउन करने के मतलब गिराने के बाद यहाँ से हम 7.5 रखेंगे, और 8.5 वो इसलिए आ जाएगा जब हम गुलाई करेंगे तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब मोरी की बात करें तो यहाँ पर 9 तैयार है, तो यहाँ पर दबाव हमें ज़्यादा ज़्यादा छोड़ देंगे, बाद में जितना होगा हम अलग से इसमें छांटने के लिए छोड़ देते हैं 1.5 इंच अलग से दबाव, तो 13 यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया, अब हम इसके मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। अब हम राउंड बना देते हैं इसमें इस तरीके से, ये राउंड बन गया। इधर साइड में हम इसको हल्का क्रॉस करेंगे ताकि हमारा नम ना आए फोल्ड करने में। ये आस्तीन इस तरीके से हो गई, अब हम इसको छांट देते हैं। यहाँ पर ये 9 है, 7.5, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये 8.5 आ जाएगा, और इसमें भी इसी हिसाब से। एक बार नाप के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स आ रहा है ये चीज़। तो इस तरीके से आपको रखना है, तो सीधा सीधा चाहे नाप लें चाहे वैसा नाप लें, बात एक ही होती है, सीधा सीधा में कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता जैसे मैंने नापा है। तो अब इसको काटते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है तो राउंडिंग यहाँ पर ये तैयार है, तो राउंड आप जो हैं अगर करना चाहें, आपको नाप नहीं मालूम है तो 2.75 आप यहाँ पर कर सकते हैं, 2.75 बिल्कुल सही होता है, 2.75 या 2.5 राउंड करते हैं आप, तो बाकी जो हैं ऐसा करके सेम में ले जाएंगे वो खुद ही आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया, अब इधर साइड का हम काट लेते हैं। अब देखिए इसमें पत्ती का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि मैंने पत्ती यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही ऊपर के लिए जा रही हैं सारी, ये देखिए, तो ऊपर के लिए ही आपकी जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आप फिर भूल जाएं, फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आस्तीन की फिर उल्टी हो जाएंगी पत्ती इस वजह से। तो बाकी हम इसमें काट लेते हैं, तो ये काट लिया, अब इसको कुटका लगा लेते हैं इस तरीके से, और इधर साइड में भी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ जब सोच रहे होंगे कि ये आ जाएगी, तो ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि इतना हमारा पलटा जाएगा, ये कुटका लगा है तो ये चीज़ नहीं आएगी।
अब हम जो आए हैं इसका ताल बाद में काटेंगे, पहले हम दूसरी आस्तीन निकाल लेते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा काफ़ी है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। तो ये निशान है इधर साइड में, ये आया ये सेंटर का इस तरीके से। ये बैठ गया, अब हम इसको काट लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों काट लिए हैं। अब जो आए हैं इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ताल को काटते हैं। तो ताल हमें इस तरीके से, जब इस तरीके से आप करेंगे ऐसे में काटना होते हैं, यानी कि इधर से लाए इस तरीके से घुमा के इस तरीके से, और इधर साइड में ऐसे करके ले आए गुलाई में, फिर यहाँ पर गुलाई मार दी। इस तरीके से आपको काटना होते हैं, इधर से इस तरीके से घुमा के लाए और ऐसे करके कर दिए ऐसे करके गोल में। तो इसी तरीके से ताल काटना होता है, इसकी चौड़ाई भी इतनी ही रखना है आपको, सवा एक है यानी कि सवाओ है। तो सवाओ यहाँ पर काटने के बाद इस तरीके से और यहीं तक काटने होते हैं जहाँ तक कुटका आपने लगाया है, ऐसा नहीं यहाँ तक काटने, यहीं तक काटने होते हैं। बाकी का हमारा दबाव जो है वो अलग होता है, वो अंदर चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम ढीला करते हैं तब इसको ताल को और बढ़ा देते हैं बाद में कभी को जब। तो इस तरीके से ये कट गया। तो इसी तरीके से आपको सूट काटना है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बैक हो गई, ये सामना हो गया, ये बाजू हो गई, ये पूरी बैठ गई इस तरीके से। और इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रुख जो आए हैं एक ही तरफ जा रही हैं पत्तियाँ ऊपर के लिए। इसी तरीके से आपको काटना है। तो और किसी पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।